तो हेलो एवरीबॉडी, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ एक और सुपर सस के धमाकेदार वीडियो के साथ। और हाँ यार, आज तो मैं एक चैलेंज करने वाला हूँ। क्या चैलेंज करने वाला हूँ वो तुम लोगों को वीडियो में देखकर ही पता चलेगा। तो चलो चलते हैं गेम को स्टार्ट और देखते हैं आज हमें इस गेम से कौन सा रोल मिलने वाला है और आपको कौन सा रोल का गेम प्ले दिखने वाला है। और हाँ यार, कोई भी रोल मिले मैं तो भाई मचाऊंगा तबाही, ये तो मेरे व्यूवर्स को पता ही है। तो फिलहाल चलो स्टार्ट करते हैं फिर। फिलहाल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ रेड जैक, जो कि है हमारा नया ब्लैक जैक। ठीक है, अपडेट होने के बाद अब ब्लैक जैक रेड कलर का दिखता है, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ रेड जैक। तो देखते हैं फिर। और हाँ यार, आज मैं चैलेंज ये करूंगा ना कि मैं एक भी किल नहीं करूंगा, ना ही गेम में और ना ही मीटिंग में। ठीक है, जीरो किल चैलेंज इन शॉर्ट। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का सबूटेस्ट देता हूँ। और पता है क्या, जब मैं गेम खेल रहा था ना तो मैं सोच रहा था कि भाई एक किल कर दूँ क्या, पर फिर मैं जब यहाँ पर किल करने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ अबे यार यहाँ पर तो भाई किल हुआ ही नहीं, क्योंकि दो दो बंदे यहाँ पर सियान कैसे भागते। तो मैं गेट बंद कर देता हूँ स्टोरेज का कि भाई इतना जल्दी मत जा, आराम से जा। ठीक है, और मैं यहाँ पर किल जब नहीं कर पाता हूँ ना तो मैं सच बोलता हूँ, तब मेरे दिमाग में आता है कि चलो भाई चैलेंज करते हैं और इस गेम में मैं कोई भी किल नहीं करूंगा। तो तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो कि मैं ये चैलेंज पूरा कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। हाँ, चैटिंग मत करना, वीडियो देखे मत बताना। और हाँ, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि उन्हें चाहिए ब्लैक जैक का ओनली किल, यानी कि ओनली मीटिंग में गेस करने वाला चैलेंज। ठीक है, तो चिंता मत करो यार, वो वीडियो भी मैं जल्दी बनाऊंगा, फिलहाल इस वीडियो के मजे लो। तो यहाँ पर मैं मेड भी पे आता हूँ, मैं सोचता हूँ लाइट बंद कर दूँ और जाकर के देखूँ भाई कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि किल तो सारे के सारे मेरे टीममेट्स को करने हैं। फिलहाल यहाँ पर फिर से कोई इलेक्ट्रिकल ठीक कर देता है तो मैं जाता हूँ यहाँ पर O2 के साइड। और पता है क्या, यहाँ पर मैं खतरनाक चीज देखता हूँ। मैं यहाँ पर देखता हूँ कि भाई ये यहाँ पर छुपा क्यों है। मुझे लगता है भाई व्हाइट सर्वाइवर है क्या, यहाँ पर एक कोने में ऐसा छुपा हुआ है। ठीक है, फिलहाल टाइम मास्टर टाइम रिवाइंड करा और ऑरेंज ने मीटिंग बुला ली। चलो देखते हैं फिर मीटिंग में क्या ही होने वाला है। फिलहाल ऑरेंज का रोल मुझे लगता है टाइम मास्टर है, पर यहाँ पर स्पेस क्रू बताते हैं कि ऑरेंज का रोल कुछ और ही है। तो देखो यार, अगर मैं तुम लोग से सच बोलूं तो मैं भाई मीटिंग में सोच रहा था कि ये शायद से टाइम मास्टर है, क्योंकि जैसे ही टाइम रिवाइंड हुआ ऑरेंज ने फटाक से मीटिंग बुला ली। पर यहाँ पर जब मैं देखता हूँ कि भाई चैट में सारे के सारे बंदे बोल रहे हैं वोट ऑरेंज, इसका मतलब ऑरेंज कुछ खतरनाक रोल है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा पार्टनर भी वोट ऑरेंज बोल रहा होता है, तो मैं कुछ समझ नहीं पाता कि यहाँ पर हुआ क्या। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखो क्या बोलता हूँ माइक पे, क्योंकि मुझे भाई लगता है कि ऑरेंज कुछ तो है। अभी सुनो, ऑरेंज को वोट करो। ठीक है, सब लोग ऑरेंज को वोट करो, ऑरेंज इम्पोस्टर है। ठीक है, ऑरेंज ग्लूटोनी है, मेरे को खा लिया था ऑरेंज ने नूबले ब्लू। ऑरेंज ग्लूटोनी है, मेरे को खा लिया था, टाइम मास्टर ने जीवन करके मेरे को बचा लिया। ठीक है, ऑरेंज को निकालो, ऑरेंज ग्लूटोनी है, टाइम मास्टर ने मेरे को बचा लिया। तो देखो यहाँ पर मुझे कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए मैं बोलता हूँ ऑरेंज इम्पोस्टर है, पर यहाँ पर मेरा पार्टनर बताता है कि भाई वो ग्लूटोनी है और उसने खा भी लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास गेस करने का काफी अच्छा ऑप्शन रहता है, पर मैं यहाँ पर गेस नहीं करने वाला क्योंकि मैंने चैलेंज लिया हुआ यार। तो देखो यार, यहाँ पर मैं आराम से गेस कर सकता था ऑरेंज को ग्लूटोनी, क्योंकि मेरे पार्टनर तक ने बोल रहा था कि भाई वो ग्लूटोनी है, उसने उसको खाया था। ठीक है, पर क्या करूँ यार, मैंने यहाँ पर थोड़े से हाथ बंधे हुए हैं, मैं यहाँ पर चैलेंज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर किसी को भी किल नहीं करने वाला, इसलिए मैं चुपचाप वोट करता हूँ। सभी बंदे वोट करते हैं और ऑरेंज हमारा निकल जाता है ग्लूटोनी। तो फिलहाल यहाँ पर मीटिंग खत्म होती है। और तो देखो यार, यहाँ पर लिखा हुआ चुका है कि एलिमिनेट 2 मोर स्पेस क्रू और हम गेम जीत जाएंगे। तो मैं दे देता हूँ यहाँ पर कैफे का सपोर्ट टेस्ट, ताकि कैफे का जब खत्म हो ना तो मैं फटाफट इलेक्ट्रिकल गया दे दूँ। ठीक है, इसलिए मैं इलेक्ट्रिकल पे क्लिक भी करता हूँ, पर यहाँ पर मेरा टीममेट यार कम्युनिकेशन का दे देता है। क्यों भाई क्यों, कम्युनिकेशन नहीं को देना था, तो यहाँ पर इंजीनियर ने ठीक कर दिया, क्योंकि इतनी जल्दी तो भाई ठीक कर ही नहीं सकता ना कोई और जाकर के वहाँ पे, और कोई वहाँ पर था भी नहीं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर जाता हूँ इलेक्ट्रिकल के साइड भाई कुछ देखने के लिए कि यहाँ पर कोई है या नहीं है, पर यहाँ पर ब्राउन मीटिंग ले लेता है। तो मुझे डाउट आता है कि ब्राउन तो यार शायद से इंजीनियर होगा, क्योंकि वो टाइम मास्टर तो नहीं हो सकता, तो मुझे ब्राउन पर इंजीनियर का डाउट आता है। को निकालो यार, इसमें साथ साथ तुम लोग को वरना हार जाएंगे। तो देखो यार, यहाँ पर ब्राउन बोलता है किसी को निकालना पड़ेगा, तो देखो मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान से निकालना। ठीक है, अगर एक गलत बंदा निकल गया ना तो गेम वैसे ही बिहार जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इम्पोस्टर को जो है सिर्फ एक किल करना रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से निकालना। एक बात बताओ, ये तब से गार्डियन गार्डियन कर रहा है और इसने मतलब गेम इतना आगे बढ़ गया, इसने अभी तक किसी को शील्ड भी नहीं दिया, तो येलो को निकाल दो, येलो को निकाल दो, इतना मतलब आगे बढ़ गया गेम, इसने किसी को शील्ड भी नहीं दिया, येलो को निकालो। अरे मैं सेफ हूँ, ठीक है, मैं ही रोल, मेरा रोल बहुत सेफ है, येलो को निकाल दे अभी। यार यहाँ पर इन लोग को मेरे पार्टनर के ऊपर डाउट आता जो कि है येलो पर, मैं यहाँ पर थोड़ा सा सीन बचा लेता हूँ। ठीक है, मैं अभी इन लोगों के साथ बोलता हूँ भाई काम करो, पहले सियान को निकालो, येलो को हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, और ये सब मेरे इस बात पे मान भी जाते हैं, तो ठीक है फिर निकालो पहले सियान को। वो साला सर्वाइवर चुपके से बैठा है, कोई पता भी नहीं है कौन सर्वाइवर।
तो देखो यार यहाँ पर वाइट बोलता है कि सर्वाइवर पता नहीं कौन है, चुपके से बैठा हुआ वाइट, कोई बोल भी नहीं रहा कि वो सर्वाइवर है। ठीक है, तो मुझे भी अभी याद आता है कि हाँ यार सर्वाइवर कोई था तो मैंने स्टार्टिंग में देखा था, पर मैं भूल जाता हूँ उस बात को। ठीक है, तो मैं कहता हूँ छोड़ो भाई, होगा कोई, मुझे क्या, सर्वाइवर से मुझे वैसे भी कोई नुकसान है नहीं, मैं कोई किल करने वाला हूँ भी नहीं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर फिर से हम सियान को निकालने के बाद गेम स्टार्ट होती है। मैं फिर से कैफे का सबोटाज देता हूँ और वेट करता हूँ पिछले बार की तरह और हर बार की तरह कि जब कैफे का डोर सबोटाज खत्म होगा, मैं फटाफट रिएक्टर, इलेक्ट्रिक या ओटू में से कुछ दे दूंगा। तो हमेशा की मैं दे देता हूं इलेक्ट्रिकल का सबोटाज फिर से, और मैं यार अगर यहां पर मेरा टीममेट का किल कर दे तो थोड़ा सा भाई आसानी हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहां पर वाइट मेरे पास जोर से आता है, और भाई अभी ये क्या, अभी टाइम वास्टर टाइम रिवाइंड कर दिया, अभी मुझे मीटिंग बुला के भाई यहां पर वाइट को निकलवाना पड़ेगा। चलो ब्राउन ने खुद ही मीटिंग बुला दी, चलो भाई निकालो पहले वाइट को, क्योंकि यार एक बंदा और कम करना जरूरी है। ठीक है, मैं किल तो कर सकता नहीं। अबे वाइट को निकालो, वाइट मुझे किल करा। ठीक है, वाइट को निकालो, वाइट इंपोस्टर है, वाइट ने मुझे किल कर दिया। ठीक है, टाइम मास्टर भाई ने टाइम रिवाइंड कर दिया। ठीक है, सब लोग वाइट को वोट करो, वाइट इंपोस्टर है भाई, टाइम मास्टर ने सही टाइम पे एकदम टाइम रिवाइंड करा। ठीक है, वाइट जंपी सूज लगा करके स्टोरेज में आया, मैं लाइट ठीक करने जा रहा था और ये वाइट का बच्चे ने किल कर दिया। ठीक है, वाइट को निकालो, वाइट हमारा बाउंटी हंटर है। ठीक है, सब लोग वाइट को वोट करो, वाइट बाउंटी हंटर है। मैंने ना ब्राउन को शील्ड दे दिया। अबे यार ब्लू सर्वाइवर है, ठीक है मैं शेरिफ हूँ, ब्लू सर्वाइवर है, मैं इसको मतलब मारा इस पे सस्ता और तूने साले का टाइम रिवाइंड कर दिया। ठीक है, अभी येलो को कर, मैं शेरिफ हूँ, सही बोल रहा हूँ, इतनी जल्दी कोई किल नहीं कर सकता, तू देख ले इतनी जल्दी कोई किल नहीं कर सकता, चुपचाप येल्लो को कर दे, मैं शेरिफ हूँ, येल्लो को कर। अबे भाई वो मतलब सर्वाइवर है भाई, मेरी बात मान और मेरे को मत कर, मेरे को कर। तो देखो यार यहाँ पर जो वाइट होता है वो मेरे पार्टनर येल्लो को निकालने के लिए बोलता है। ठीक है, और उसको लगता है कि मैं सर्वाइवर हूँ। ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, और वाइट यहाँ पर अपना रोल भी बता देता है कि वाइट शेरिफ है। ठीक है, और यहाँ पर जो ग्रीन है वो बोलता है कि वो टाइम मास्टर है, अगर तुम लोग सुन पाए हो तो यहाँ पर दो बंदों के रोल तो मुझे पता होते हैं, पर कोई नहीं यार मैं यहाँ पर गेस तो कर नहीं सकता, क्योंकि यार मैं चैलेंज कर रहा हूँ और मुझे इस चैलेंज में सिर्फ मीटिंग में निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर वाइट को निकाल देता हूँ, और हाँ यार वाइट को निकालने के बाद भी अभी गेम खत्म नहीं होगी। ठीक है, अगर एकाक शेरिफ वार्डन कुछ बचा होगा तो वो मुझे या मेरे टीम मेट को खत्म गेम जीत सकता है, बाकी इनके पास तो कोई और रास्ता है नहीं जीतने का। ठीक है, तो मैं फिर से दे देता हूँ यहाँ पर कैफे का सपोर्ट है, और यहाँ पर देखो जो रेड मेरे पार्टनर के साथ खड़ा ना, मेरे को डाउट होता है कि भाई अगर उसने जाने से पहले बोला था कि येलो इंपोस्टर है तो रेड बिना डरे मेरे पार्टनर के साथ खड़ा कैसे हो सकता है। फिलहाल मेरे टीममेट नोबड़े ने फिर से दे दिया कम्युनिकेशन का, उसे इलेक्ट्रिकल या रिएक्टर देना चाहिए था, फिर आराम से किल करना चाहिए था। अरे ये क्या लिखा हुआ है, येलो इज अंडर द कस्टडी ऑफ वार्डन। अबे वार्डन है कौन, ये रेड है क्या, वार्डन क्या हुआ, अरे ओपी भाई येलो ने किल कर दिया। ब्लू तो तू वैसे भी खुश हो ही रहा होगा ब्लू। तो देखो यार यहाँ पर वाइट माइक ऑन करके पूछता है कि ब्लू तू तो बहुत खुश हो रहा होगा, क्योंकि उसे लगता है कि मैं जो है सर्वाइवर हूँ। ठीक है, पर यहाँ पर मैं होता हूँ इम्पोस्टर, और इसे देख करके उसकी वाट लग जाती है। फिलहाल उसकी बात का मैं रिप्लाई करना चाहूंगा, हाँ भाई खुश तो हो ही रहा हूँ, क्योंकि सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं। फिलहाल इसी के साथ ही हमारा रेड जैक के साथ जीरो किल चैलेंज होता है पूरा सक्सेसफुल, और इसी के साथ ही वीडियो हो चुकी है खत्म, हमें मिल चुकी है जीत। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नए हो तो कर देना सब्सक्राइब, बताने वाली बातें नहीं है तुम जानते हो। तो फिलहाल हम आपसे मिलेंगे एक और सुपर सस के धमाकेदार तगड़े वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना मेरे दोस्त। और हाँ, जिन्होंने वीडियो यहाँ तक देखी है उन्हें मैं कहना चाहूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना।